मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं आशा करता हूँ, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। सपने वो नहीं जो नींद में देखते हैं, सपने वो होने चाहिए कि जो हमें नींद नहीं आने देती। तो आइए आज हम लोग हैजा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हैजा रोग जो है एक महामारी, एशियाई महामारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग हैजा महामारी या हैजा रोग के बारे में देखते हैं। तो हैजा रोग जो है इसको जो है और कई नामों से जाना जाता है। तो इन सभी नामों को हम लोग जान लेते हैं कि इनके और कौन कौन से नाम हैं। हैजा, इसे कालरा, बिसूचिका, बिसूचिका, इसके बाद एशियाई महामारी, एशियाई महामारी, एशियाई महामारी के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग प्रमुख रूप से वाइब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। मानव में यह रोग वाइब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। तो वाइब्रियो कॉलेरी जो होता है यह जो मानव में इन्फेक्शन का काम करता है, पहुंचने का जो काम करता है, यह जो है जैसे जब रोगी दूषित जल और दूषित भोजन का जब उपयोग करता है, उसको ग्रहण करता है, जिसके माध्यम से यह जो है रोगी के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो इसी के कारण जो है यह होता है। तो वाइब्रियो कॉलेरी जो होता है यह कोमा शेप होता है, कोमा शेप होता है, और यह जो है ग्राम निगेटिव होता है, ग्राम निगेटिव होता है। तो यह इस बैक्टीरिया के इंटेरो टॉक्सिन, इस बैक्टीरिया के इंटेरो टॉक्सिन का जो स्ट्रेन होता है वह जो है छोटी आंत को प्रभावित करने का काम करता है। जब रोगी का छोटी आंत प्रभावित हो जाता है तो जिससे जो है रोगी को जो है बहुत ज्यादा दस्त होने लगता है, दस्त के साथ साथ रोगी को उल्टियां भी होने लगती हैं, जिससे रोगी का शरीर शिथिल पड़ जाता है, एकदम सुस्त हो जाता है और रोगी में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर इस रोग का समय पर इलाज अगर नहीं होता है, अगर 18 घंटे के अंदर इलाज नहीं होता है, समय पर चिकित्सा में नहीं पहुंचता है, तो कुछ पेशेंट या कुछ रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा माना जाता था पहले कि हैजा रोग का जो रिजर्वेशन है, स्टोरेज का जो काम करता है, यह जो मानव करता है, लेकिन मानव के साथ साथ जलीय वातावरण भी करते हैं इसके स्टोरेज का काम। तो यह रोग जो मुख्य रूप से होता है यह दूषित जल और भोजन के ग्रहण करने से होता है। इसमें होता क्या है कि जो लीवर है वह जो है प्रभावित हो जाता है, जिससे
व्यक्ति को दस्त होने लगता है। और विश्व हैजा दिवस तेईस सितंबर को मनाया जाता है। हैजा रोग के बचाव के लिए रोगी को साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मार्केट में देखते हैं जो मिठाई बिकती है या कोई भी खाद्य सामान हो या दूध ही पीना हो हम लोगों को, तो उसको जो है ढक करके रखें, उसको जो है उबाल करके पिए, या कोई भी खाद्य पदार्थ है अगर वो पैकिंग है तो ठीक है, अगर पैकिंग नहीं है खुले में बिक रहा है तो उसको जो है खाने से बचें, नहीं तो यह रोग जो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो गाँव में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो बूढ़ी माँ होती है, कभी कभी जो लड़के चिड़चिड़ाते हैं उनको तो बोलती है कि हैजा काटू तो वहां हैजा माई उठा ले जा, तो लड़के जो है चिड़चिड़ा करके भागते हैं जो है बूढ़ी दादी, तो हैजा माई उठा ले जाए ऐसा बोलती है बूढ़ी दादी। तो यही बीमारी है कि इसे जो है एशियाई महामारी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।